भारतीय सिनेमा में ऐसे कई कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर से फिल्मी दुनिया में एक अलग जगह बनाई। फिल्मी जगत में ऐसे ही नगीनों में से एक मशहूर अभिनेत्री जोहरा सहगल, भारत की पहली महिला अभिनेत्री और नर्तकी कही जाने वाली जोहरा सहगल देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। अपने पूरे जीवन में जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाली जोहरा सहगल से जुड़े कई किस्से मशहूर हैं। यूपी के मुस्लिम परिवार में जन्मी जोहरा सहगल कैसे बनी विश्व प्रख्यात अभिनेत्री रही, लेकिन आज हम आपको इनके बेटे से रूबरू करवाने वाले हैं। 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जोहरा सहगल का एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था। बेहद छोटी उम्र में ही जोहरा सहगल ने अपनी मां को खो दिया था। उन्होंने क्वीन मैरिज कॉलेज लाहौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो 1930 में यूरोप चली गई। यहाँ जर्मनी के ड्रेसडेन में मैरी विगमैन के बैले स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। उस दौर में जोहरा सहगल ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने बैले स्कूल में 3 साल के लिए मॉडर्न डांस की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद जोहरा ने 1935 में उदय शंकर के साथ एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1935 से 1940 के बीच उन्होंने जापान, मिश्र, यूरोप और अमेरिका में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसी दौरान वो भारत में उदय शंकर के साथ एक एकेडमी में डांस सिखाने लगी। यहाँ उनकी मुलाकात कामेश्वर सहगल से हुई, जिनसे कुछ साल बाद शादी कर जोहरा लाहौर शिफ्ट हो गईं। शादी के बाद एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ मिलकर लाहौर में नृत्य संस्थान खोला। बंटवारे के बाद जोहरा बॉम्बे शिफ्ट हो गई, जहां उनकी बहन उजरा बट पृथ्वी थिएटर के साथ काम कर रही थी। बाद में जोहरा भी 1945 में एक अभिनेत्री के रूप में थिएटर से जुड़ी, जिसके बाद उन्होंने 1945 से 1959 तक देश के सभी प्रमुख शहरों में दौरा किया। इसी बीच उन्होंने 1986 में धरती के लाल फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में भी अभिनय किया, जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की बल्कि कान फिल्म महोत्सव में अवार्ड भी जीता। अभिनय और डांसिंग के अलावा जोहरा सहगल ने कोरियोग्राफी भी की। एक्ट्रेस ने गुरुदत्त की बाजी और राज कपूर की आवारा में बतौर कोरियोग्राफर काम किया। इसके अलावा उन्होंने लंदन में डॉक्टर हूँ और 1984 की मिनी सीरीज द ज्वेल इन द क्राउन जैसी ब्रिटिश टेलीविजन शो में भी काम किया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सहगल ने लगभग हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया। उन्होंने दिल से, हम दिल दे चुके सनम, वीर जारा, सावरिया, चीनी कम जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। पद्मश्री और पद्म विभूषण और कालिदास सम्मान से सम्मानित जोहरा सहगल ने साल 2014 को दुनिया से विदा ले ली, लेकिन अपनी जिंदा दिली और बिंदास तरीके से जिंदगी जीने की वजह से आज भी लोगों के बीच मौजूद हैं। 14 अगस्त 1942 को जोहरा की शादी पेंटर, डांसर और साइंटिस्ट कामेश्वर सहगल से हुई। उनके 2 बच्चे, बेटी किरण और बेटा पवन हैं। अंतिम दिनों में जोहरा अपनी बेटी के साथ ही रही थी। वर्ष 2012 में बेटी किरण ने जोहरा सहगल फैटी नाम से उनकी जीवनी भी लिखी। ओडिसी नृत्यांगना किरण ने दुख जताते हुए कहा कि अंतिम दिनों में उनकी मां को सरकारी फ्लैट तक नहीं मिला, जिसकी उन्होंने मांग की थी। उन्होंने कहा कि वो जिंदा दिली और ऊर्जा से हमेशा लबालब रही थी। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।